नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हर्ष और मैं हूं अभी अमेरी आपका देख सकते हो कापा के पास। दोस्तों ये बिलासपुर में आता है और यहां पर देवरानी जेठानी मंदिर है, तो चलिए आपको लेकर चलते हैं। बाइक मैंने वहां पार्क की है और यहां मंदिर का देख सकते हो व्यू है, चलिए आपको अंदर लेकर चलते हैं। तो दोस्तों चलिए आपको अंदर लेकर चलते हैं। और आपको दोस्तों ये बता दूं, यहाँ पर वीडियोग्राफी करना बहुत ही वर्जित है, तो ध्यानपूर्वक जब भी आते हो तो वीडियोग्राफी देखकर करिएगा दोस्तों कभी भी। और दोस्तों आपको बता दूं कि यह ताला जो है बिलासपुर से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर है और रायपुर से 85 किलोमीटर की दूरी पर है। दोस्तों यहाँ का आज का जो नियम जो पास का गांव है वो भोजपुरी ग्राम है, वहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। और दंगौरी जो रेलवे स्टेशन है पास में, वहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी है। दोस्तों यहाँ अमेरी कापा ग्राम के समीप मनियारी नदी के तट पर स्थित है। ताला में 2 शैव मंदिर स्थित है दोस्तों, जिसे देवरानी व जेठानी मंदिर के नाम से जाना जाता है। आपको बता दें दोस्तों, भारतीय पुरातत्व के प्रथम महानिदेशक अलेक्जेंडर कनिंधम के सहयोगी जे डी बेलबर को ताला गाँव की सूचना 1873 से 1874 में तत्कालीन कमिश्नर फिशर ने दी। एक विदेशी पुरातत्व महिला जूलियम विलियम्स ने इस गुप्त काल का मंदिर बताया है। पुरातत्वता इसे काल का निर्धारित लगभग 6वीं शताब्दी का मंदिर माना करते हैं। दोस्तों यहाँ पर बहुत ही प्राचीन मूर्तियाँ आपको देखने को मिल जाएगा। आप देख सकते हो बहुत ही प्राचीन, यहाँ पर दीवारें में बहुत सारे जो उल्लेख किए गए हैं प्राचीन फोटो का और डिज़ाइन का। और यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे पुराना मंदिर आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही आपको यहाँ पर जो लोगो दिख रहा है दोस्तों, यह गुरु घासीदास विश्वविद्यालय का लोगो है, इसी को देख कर बनाया गया है। और यहाँ पर देख सकते हैं हाथी का दांत और अनेक प्रकार के यहाँ पर आपको चित्रों का उल्लेख मिलता है। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ अजीब से यहाँ पर फोटो है और यहाँ के पूरा टुकड़े बिखेरे पड़े हुए हैं। जब आप देवरानी जेठानी मंदिर जाओगे तो यही सब आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। और कई मंदिर है जो यहाँ पर ध्वस्त होने की तगार पे हैं। यहाँ पर रुद्र प्रतिमा का जो शिवलिंग है वो भी है दोस्तों। यहाँ पर वही बहुत ही ज़्यादा फेमस है जो कि बहुत ही प्राचीन है। और चलिए आसपास को आपको और भी दिखाते हैं दोस्तों। और आपको बता दूं मैं, ये जो रुद्र प्रतिमा आप अभी देख रहे हैं दोस्तों, यह बहुत ही प्राचीन है। और इसका देख सकते हो बहुत सारे शेर हैं जो दानव की तरह दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ इस बहुत लोग इसे कोई लोग बोलते हैं आशी का उदाहरण है, राशि का अगला राशि है बोल के, या कोई लोग रुद्र शिव प्रतिमा है बोलते हैं, कई लोग इसे राक्षस मानते हैं। लेकिन दोस्तों आप ही बताइए कमेंट करके कि यह चीज़ क्या है। तो चलिए आपको और भी आसपास के मंदिर का व्यू को दिखाते हैं। और देख सकते हो आप डिज़ाइनिंग कुछ इस प्रकार से हर मंदिरों में देखने को आपको मिल जाएगा। तो ये जो चित्र देख रहे हो ये भी बहुत ही प्राचीन है, आसपास मंदिरों का अवशेष पड़े हुए हैं। तो चलिए दोस्तों और भी आपको चलकर दिखाते हैं। तो दोस्तों मैं हूँ देवरानी जेठानी मंदिर में और यहाँ पर वीडियो लेना अलाउ नहीं है। अगर आप वीडियो लेना चाहते हो तो आपको पहले छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ेगा, परमिशन के बाद ही आपको यहाँ पर वीडियो लेने देंगे। सो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पर ताला महोत्सव होता है और यहाँ पर नदी है जस्ट बगल में, और यहाँ से कुछ इस प्रकार का व्यू है। यहाँ पर और भी बने मंदिर है जो बने हुए हैं, यहाँ से देख सकते हो कुछ इस प्रकार। यहाँ पर भी मंदिर जो सामने मंदिर और जस्ट बगल किनारे ये। तो चलिए चलते हैं उधर, और उधर के लिए चलते हैं अपने डिस्टेंस की ओर। सो गाइस घूम लिए हैं हम यहाँ पर देवरानी जेठानी मंदिर, और यहाँ से देख सकते हो स्टार्टिंग में लिखा हुआ है। और चलिए चलते हैं टेंशन की ओर। और कैसा लगा दोस्तों यहाँ के वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय जवाहर, जय।